ओल्ड टीवी में आरसीए केबल लगा दिया है ये सेटअप। इस सेटअप से हम जैसे एंड्रॉइड टीवी है वैसे ही इस ओल्ड टीवी को एंड्रॉइड टीवी बनाएंगे। चीजों की जरूरत होगी, आरसीए केबल, एचडीएमआई टू एवी कन्वर्टर, एनी कार्ड, सारा सेटअप कर लिया है। अब हम टीवी को चालू करते हैं, नो सिग्नल दिखा रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक से सेट करते हैं और फिर वाईफाई चालू करके करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा एंड्रॉइड टीवी स्मार्ट बन चुका है। तो आपके डब्बे टीवी को स्मार्ट टीवी बनाने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत होगी। तो चलिए हम ठीक से समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, पूरे विस्तार से देखेंगे कि कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये मैंने अमेजोन से मिनी एचडीएमआई टू एवी कन्वर्टर 300-400 में अमेजोन से खरीद लिया था और ये एनी कास्ट है जो 1000 रुपये या 1200 में मिल जाएगा अमेजोन पे। सारी चीजों की मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ सारी चीजों की बाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और ये है मेरे पास यूएसबी अडॉप्टर, तो दो लिया है मैंने, तो इसे मैं पावर देता हूँ जो कि मिनी एचडीएमआई टू एवी कन्वर्टर से ही आता है और इसे मैं यूएसबी के अडॉप्टर में कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब हमारे एचडीएमआई टू एवी में हम एनी कास्ट को एचडीएमआई के पोर्ट में लगाएंगे और उसके बाद इसको भी हम पावर देंगे जो कि एनीकास्ट के साथ ही आता है केवल, तो इसे भी हमने कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद देखिए हम इसे भी पावर देने के लिए यूएसबी अडॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये आरसीए केबल इस्तेमाल करेंगे और इसे नीले के पीले में, लाल के लाल में और ये सारा कनेक्ट कर लेंगे और फिर देखिए यहाँ इसे पावर देंगे। और पावर देने के बाद हम देखिए ये इस तरह से सेटअप बन चुका है। अब हम टीवी का रिमोट यहाँ पे है और हम ओल्ड टीवी के ये आरसीए के पोर्ट में लगाएंगे। ये एकदम सादा टीवी है, इसमें कोई पोर्ट नहीं है, बस आरसीए केबल का ही है। तो हम बोर्ड में इसे पावर दे देते हैं यूएसबी अडॉप्टर की मदद से। अब देखिए ये इस थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये इस तरह से एनीकास्ट में हम ब्लिंक होने लगेगा। यहाँ पे नो सिग्नल दिखा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है थोड़ी देर के बाद और फिर ये स्क्रीन में रीडिंग हो चुका है। तो दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं।